बास्केट हूँ, मैं क्या हारती, 19 पॉइंट में हार जाती अगर मैं ये दो वाले दो माइनस बिना देखे, मतलब हटा भी देने और उसके बाद देख भी लेने जिससे पता तो चले कि दिल में कसक तो हो कि दुख। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनु सिंघल आज आपके लिए ताश की एक गड्डी से मस्त लक गेम का आइडिया लेकर आई हूँ, जिसे आप पंचुअलिटी गेम में भी इजीली खेल सकते हैं। करना क्या है, आपको बैक ऑफ कार्ड्स लेने हैं और इसमें से फोटो वाले कुछ कार्ड आपको निकाल देने जो हमारे 12 पत्ते होते हैं और इसमें हमें दो जोकर डालने हैं। लेकिन आज मेरे पास जोकर नहीं है तो मैं इसमें से मैंने दो जे ले लिए हैं और इस गड्डी में मिक्स कर दिए हैं। आपके पास जोकर हो तो जोकर ले लें, नहीं हो तो कोई भी दो फोटो वाले कार्ड इस गड्डी में आप डाल सकते हैं। आपका गेम तैयार हो जाएगा। अब वन बाय वन करके मेंबर्स को बुलाना है, टाइम की लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। अब उन्हें 10 पत्ते यहाँ पे रख देने हैं बिना देखे और बिना खोले। कोई भी 10 पत्ते वो उठाएंगे, 1 2 3 कहीं पे भी टेबल पे फैला देंगे। सारा गेम इन्हीं 10 पत्तों से होगा और इस गेम को ट्विस्ट और फनी बनाएगी हमारी 3 चिट जो मैंने इसमें बना के रखी हुई हैं। 8 पत्ते हो गए और ये मेरे 10 पत्ते हो गए। बाकी बचे पत्तों को मैं साइड में रख दूंगी। अब मुझे इसमें से कोई भी पहले 5 पत्ते खोलने हैं। जैसे कोई मेंबर आएगा 10 पत्ते फैला देगा, पहले वो सिर्फ 5 खोलेगा, 5 के बाद वो रुक जाएगा। मैंने ये खोला, अब मैंने ये खोला, अब मैंने ये 3 4 और 1 में कौन सा खोलूं, ये वाला। सपोज फ्रेंड्स मैंने ये 5 पत्ते खोल लिए, अब मैंने 3 चिट बना रखी हैं जो पाउच में रखी हैं। आपको भी ये 3 चिट बना करके पाउच में ही रखनी है, बॉल प्लेट में नहीं रखनी है। अब 5 पत्ते खोलने के बाद आधे पत्ते, आप इसे 12 पत्ते भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 10 पत्ते लिए। अगर 12 पत्ते करें तो 6 के बाद, 6 खोलने के बाद तब चिट उठवाएं, जितने भी करने हैं आधे के बाद आपको करवानी है। अब सपोज एक चिट मैंने निकाली, इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है आउट। तो मेरा गेम आउट की पर्ची खुलते ही मेरे लिए अप हो गया। अब जो पत्ते मेरे बंद रह गए ये भी मैं नहीं खोल सकती हूँ, सिर्फ जो पत्ते यहाँ पे हैं इनका स्कोर टोटल हम मोबाइल से कर लेंगे और उतना ही मेरा स्कोर होगा जितने की पत्ते मैंने खोल रखे हैं। अब बारी आती है कि दो चिट्स में और क्या लिखा है फ्रेंड्स, 3 चिट बनानी है सिंपली। एक में लिखा है प्लस टू, यानी जो ये गड्डी आपकी बची हुई है इसमें से आप कोई भी दो पत्ते लेके अपने इसमें और रख लीजिए यहाँ पे। और तीसरी चिट में लिखा है माइनस टू का मतलब है जो ये 10 पत्ते आपके रखे हुए हैं इनमें से कोई भी दो पत्ते आप अलग रख दीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से दो पत्ते हैं। अभी आपको इन दो पत्तों को गड्डी में मिक्स नहीं करना है। जो पत्ते आपको प्लस के मिलेंगे प्लस टू में वो भी आपको पता होना चाहिए कौन से, वो भी अभी हम खोल के देखेंगे। मेंबर को पता तो हो कितने से हारा और कितने से जीता, तो ये दो पत्ते जो माइनस, तो सिर्फ 3 चिट आपको बनानी है, माइनस टू प्लस टू और आउट। अगर फ्रेंड्स आपकी आउट की चिट नहीं खुलती हो 10 के 10 पत्तों का स्कोर आपका, और अगर प्लस टू या माइनस टू निकलती है तो 10 के 10 और उसमें प्लस टू माइनस टू हम देखते रहेंगे। तो अब क्या करना है, मेरा ये स्कोर ये हो गया, लेकिन अगर आउट की चिट नहीं उठती, सपोज ये मेरे दो प्लस के थे तो मुझे 12 का स्कोर मेरा और एड ऑन हो जाता इन टोटल में से जो टोटल मेरा इसमें से आता, और माइनस के 2 मैं क्या हारती, 19 पॉइंट में हार जाती अगर मैं ये दो वाले दो माइनस बिना देखे, मतलब हटा भी देने और उसके बाद देख भी लेने जिससे पता तो चले कि दिल में कसक तो हो कि दुग्गी निकल जाती है। 9 और 10 जो हाईएस्ट कार्ड हैं, क्योंकि इसमें हमारे जे के क्यू के पॉइंट्स हैं ही नहीं, तो मैंने क्या हारा और क्या जीता। अब बारी आती तो जे जो मैंने पढ़वाए हैं वो इसलिए फ्रेंड्स, जो जे अगर आपके इसमें खुल जाते, इसमें एक भी नहीं खुला 10 पत्तों में, तो उनका आपको एक भी स्कोर नहीं मिलता, क्योंकि वो हमने जे क्यू के पॉइंट्स में रखे ही नहीं है। मैंने जोकर की जगह जे को यूज़ कराए, तो जितनी बार भी जोकर या जे या कोई भी एक फोटो वाला कार्ड खुलेगा उसका स्कोर मिलेगा नहीं। आधे पत्ते करवा के आपको खोल के जो आधे पत्ते खुल गए वो आपका स्कोर होगा ही होगा। अगर इसमें जोकर या फोटो वाला खुला तो वो आपका माइनस होता था, क्योंकि उस पत्ते का स्कोर आपको नहीं मिलेगा। 2 प्लस करेंगे तो पता आपको चलना चाहिए, 2 माइनस हुआ तो आपको पता चलना चाहिए। इस पर्ची उठाने के खेल में 10 पत्ते उठाने के बाद, पूरा स्कोर करने के बाद, जो मेंबर भी हाईएस्ट स्कोर करेगा वो हमारे इस मस्ती भरे गेम का विनर हो जाएगा। गेम का आइडिया पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। 15 जुलाई से मेरे 30 स्पेशल गेम्स के लिए तैयार रहें।